हाँ जी बेटा कितने पैसे आ गए आपके पास? इतने सारे जो कि इस पर्स में पड़े हुए हैं, ना भारी हो गया। इस पर्स को पहन भी लेती हूँ। I'm Nazuk. I'm Yami. And आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया था और आगे बताऊंगी। एंड अगर आप भी अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट के बारे में सिखाना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप भी उनको ऐसी 100 रुपीज की मिट्टी की बुगनी आती है वो ला दीजिए। मैंने इनको लास्ट ईयर ला के दी थी और इनको बोला था इनको जो भी सगन मिले, चाहे कोई घर पे आ रहा है, इनको पैसे दे रहा है या कहीं पे भी, तो वो पैसे ये इसमें डाले। एंड हम जब 1 ईयर हो जाएगा तो हम इसको तोड़ के देखेंगे इन्होंने कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट किया है। और कुछ तो इन्होंने लगा लिया और कुछ इनको सगन मिलते थे वो मैं अपनी पॉकेट में डाल लेती थी और मैं लगा लेती थी। जस्ट लुक एट देम। तो आज हम ये तोड़ने जा रहे हैं तो देखते हैं इन्होंने कितनी माया इकट्ठी की है। इसमें मेरी जो थर्ड डॉटर है यशस्विनी, उसका भी कुछ सगन हमने डाले हैं उसके भी। तो ये जब हम तोड़ेंगे तो ये तीनों में डिवाइड होगा, याली, यादवी और यशस्विनी, या तीनों में प्रॉपर होगा। तो हम इस हेल्पेज इंडिया के बैग से तोड़ने जा रहे हैं। दिस इज माइन। ओके, ये इसका है और आप हालत देख लो, इसने तोड़ भी दिया है तो ये संभाल के रखते। दो इनको बोला गया था हैमर ढूंढो, वी हैव सो मेनी हैमर्स विद अस, बट जब टाइम आता है तो हमारे घर में कोई चीज मिलती नहीं है क्योंकि ये हमारी जो छोटी डॉटर है ये सारी चीजें इधर उधर रख देती है और हमें समझ ही नहीं आता हमारी चीजें कहाँ गई। तो अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं ये टूट रही है और कैसे टूटती है। चलिए आप दोनों करोगे। सो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी बुगनी है। हमने नीचे वो रखा है, पेपर रखा है न्यूज़पेपर, सो दैट गंद ना डले। एंड ये दोनों तोड़ने जा रहे हैं और मेरे फोन को ना लगे। ये मेरी छोटी डॉटर पहले ही अपना पर्स लेके आई है कि जो भी पैसे निकलेंगे हम इसमें डालेंगे, अपनी मनी इसमें डालेंगे। तो ये इसका प्रिंसेस वाला पर्स है और मेरी बड़ी डॉटर जीन्स में लेके आई है और अंदर मेरी छोटी डॉटर है, सबसे छोटी डॉटर, जिसकी ग्रैंडमा अब अंदर से आवाज दे रही है कि मेरी लड़की का शेयर रख देना अकेले निकाल के। और हमारी जो वीडियो बना रही है वो गुंजन बना रही है और एंड में हम आपको गुंजन से भी मिलाएंगे, स्माइल कर रही है। तो अभी हम तोड़ने जा रहे हैं, तो चले तोड़े। यस, चलो ध्यान से तोड़ना, ठीक है। जय श्री गणेश। तोड़ो बेटा आराम से, ऐसे भी नहीं। नीचे पापा ने आवाज सुनी कि ठक 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 क्या हो रही है, तो वो नीचे आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि हम लोग ये तोड़ रहे हैं। तो क्या पता पापा कहे कि मत तोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ जितने चाहिए। चलो आप तोड़ो, आराम से बैग ना टूट जाए। अच्छा आपको एक और चीज बता दूं, ये थी तो मिट्टी वाली, पापा आ गए। ओके फाइनली चेक दो, ये हमारे पापा आ गए और हमारे पापा हमें दिखाएंगे कि कैसे तोड़नी है। आई वुड ब्रेक इट, पापा कैन आई फर्स्ट ट्राई? ये पापा तोड़ के दिखाएंगे। पापा गंदे हो गए। हां सुधार तो किया अभी। मनी है जो आप ये नोट देख रहे हो, 500-500 के नोट है जो जो इनके दादू, इनके ताएजी ने बड़े इनको 500-500 दिए थे, तो सारे हमने इसमें डाले थे। तो ये वो वाला माल भी है एंड अब हम इसको काउंट।
काउंट करेंगे। ये तो ठीक है बेटा, ये किसने डाला है इसके अंदर? मुझे नहीं पता, ये इसी ने डाला है, ये इसी ने डाला है कलर्स। अब हम काउंट करेंगे, लेट अस पुट द ब्रिक्स फर्स्ट हियर। ये हम इसको इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये बेटा इसको पकड़ो बेटा, वहां पे भी गिरा है वो। बेटा ये देखो यार, ये इसका डेट ऑफ बर्थ 15th of August है, 6 नंबर है और पैसे पीछे है। बेटा रखो इधर पैसे, बैठो। हाँ ओके, तो अभी हम काउंट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 500 अलग करेंगे, 10 रुपीज अलग करेंगे, कॉइन्स अलग। बेचारों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ठीक है चलो, यानी आप ये 500 का नोट होता है, ठीक है 500 का नोट आप यहाँ पे रखेंगी, ठीक है यादवी। ये 10 रुपीज का नोट है तो आप यहाँ पे रखेंगी, ठीक है करो। इतनी ही फार में चलो रखो, चलो काउंट ले जाओ, रख कोई बात नहीं, ऐसे रखते जाओ, रखते जाओ। 100 Yes. I'll just put it here. Okay. ये 500 आपने यहाँ पे रख दिया। 500? Yes. तो ये खुद अपना काम भी करते थे ना, तो हम भी इनको मनी देते थे कि हमने 20 रुपीज दे दिए, 50 रुपीज दे दिए, तो जब हम खुश होते थे 10। तो अभी बेचारों को पता नहीं है पैसे की वैल्यू, तो अभी सिखानी है इनको। 500 ये बेटा आगे 10 यहाँ से आप इकट्ठे करो, निकालो। अच्छा वो भी देखिए नोट कौन सा सुंदर है, वो बोला नोट निकाल दी। नहीं मैं देख 20 इज हियर बेबी। अच्छा बेचारों को अभी भी पहचान नहीं आ रही कि नोट कौन से है। 10 रुपी का अपने, ये इधर आपके 10 रुपी। अच्छा तोड़ने से पहले इनकी जो ग्रैंडमा थी, नानी थी, वो भी कह रहे थे कि मत तोड़ो मत तोड़ो, बट हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमारे मनी 5 है। अरे बाप रे, अब क्या करें 5 का, यहाँ पे रख दो। हार्ड वन आउट। वेट, पहले हम इसको काउंट करेंगे कि 500 कितने निकले। चलो ये कितने है? 500। ओके यानी गिव मी 500, ऐसे खोल के दो बेटा, खोल के दो जैसे 500 के नोट। 500 वो दीदी के पास है। गंदी मुंह में डाल दे। 2 रुपीज है, 2 कॉइन्स है। 2 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 2। अरे गिरा मेरे बाबा। तो इसी के साथ ये बहुत अमीर हो गए, बट हाँ मैं आपको बता दूं, बैठो 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 मैं बताऊं, आप बैठो। यादवी ने क्या किया, यादवी ने ना जो एक ना कटर होता है, वो कटर श्याम जी के वार्डरोब में पड़ा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे, तो उसने क्या किया, वो लेके उसको उसकी धार इसने चेक करनी थी, उसने पापा की बेडशीट काटी। तो झूठ मत बोल। तो इसने बेडशीट वो काटी, एंड इसने 2 बेडशीट काटी, तो टोटल 4000 हुआ। तो इसमें से जो यादवी का शेयर होगा उसमें से हम 4000 रुपीज लेंगे, हम न्यू चादर लेके आएंगे। क्योंकि इसने वो चादर काटी थी। अच्छा बच्चों को गोल्ड कॉइन का बहुत शौक होता है, और हमारी जो गुंजन है वो थक चुकी है, वो कह रही भाभी क्या करवा रहे हो मेरे से, पर गुंजन क्या करे, बच्चों की इच्छा। ओके अब ये हमारे पास 500 के नोट आ गए हैं। पैसा रखो जब काम करेंगे। अच्छा अभी काउंट करने जा रहे हैं। साढ़े 9000 9500
अभी सिर्फ ये 500 के नोट हैं। आई कैन डू द 10 वन, कैन आई डू द 10 वन? अब 200 के पकड़ाओ। 200, ओके, आई एम डूइंग इट। इतने बोंगे बच्चे, 200 के नोट ये हैं। बेटा बोले क्या, ये एक 100 के साथ ये हो गए आपके 10,000। अरे वाह, ये वाला 100, दिस 100। अजी सुनते हो? क्या बात है, देखते देखते गुंजन ही अमीर हो चुके हैं, हमसे ज्यादा पैसे मिल गए। चलो इनके पापा को बताते हैं कि कितना ये बेटा इसके अंदर डालो। हेलो, हेलो, अभी तक 10,000 काउंट कर चुके हैं। हाँ, 10,000 आगे भी काउंट कर रहे हैं लड़कियों ने छिक मई करती। पापा कहते मुझे कितना दोगे? वो कहते हम नहीं देंगे। याद है बेटा, पॉइंट सारे आपके हैं, सभी कुछ आपके हैं, पर ऐसे थोड़ी करते हैं। ये बच्चे पैसे नहीं देखे हुए। अच्छा याद भी आप अपने कॉइन्स में से, अपने ये बनी में से नानी को पैसे दोगे? नहीं। Yes. को पूछा, देखो दोगे? और यालनी आप अपने पॉइंट में से मम्मा को पैसे दोगे? Yes. ये तो थक गई। मैं 10 का काउंट कर लेती हूँ। आराम से बेटा, ऐसे नहीं काउंट करते। कैसे काउंट करते? बस बेटा काउंट करो, ले नहीं रहे, काउंट करने हैं। ये देखो, जय करो बेटा, थप्पी के है, काउंट करो। ये लड़की पैसे के लिए रो रही है, और उसको अच्छी तरह दिखाओ, यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे, दिखाओ उसको अच्छी तरह। गुंजन कुछ बोलो इसके लिए। ये क्या कर रहा हुआ है आपने? खड़ा, ये क्या क्या किस बात की रोई रही है? किस बात की रोई? पैसे भी नहीं है। बेटा ये सारे पैसे आपने शॉपिंग करनी है, तो ये तो आप दोनों के लिए मिलेंगे। जब हम जाएंगे तब आपको शॉपिंग के लिए दूंगी मैं। ऐसे इसको ऐसे रखो, ऐसे। और ये ना हम ऐसे करेंगे, नानी को 10 रुपीज चाहिए होते तो हम नानी को दे देंगे। नहीं, नानी को दे देंगे, नानी आओ हमें उसके बदले बोले नोट दे देना खुश। कहती नहीं। यादवी को पूछा, यादवी कहती हाँ मैं नानी को पैसे दे दूंगी, यादवी कहती मैं नहीं दूंगी। इसे कहते हैं प्यार, जिसको जिसके साथ प्यार है उसको माया दे सकता है। ये मेरे को देगी याली, मेरे को देगी यशस्वी। नहीं, आप किसको दोगी? बेटा ये छोड़ो, अब हम ये यहाँ पे रखेंगे। अब कॉइन्स काउंट करो। रुको, बैठो नीचे, बैठो जमीन पे। ये हो गया, आप दोनों काउंट करो। यहाँ पे लगाना है 1, यहाँ पे रखना है 2, और यहाँ पे रखना है 5। ठीक है, यालनी गॉट इट? ओके, चलो रखो। बेटे सब आप ही नहीं है, आपकी पॉकेट नहीं है, पॉकेट है। लालची बच्चे, कहाँ है पॉकेट? अरे हाँ, इसकी पॉकेट है, इस पॉकेट में ऑल। ये वो कर्मचारी है जो दफ्तर में काम करते हैं और पैसा कंपनी से निकाल
निकाल के अपनी जेब में डाल दिया। All right. So, इसको हम कैसे स्पेंड करेंगे ये हम अपनी दूसरी वीडियो में लेके आएंगे जिसमें हम मनी मैनेजमेंट का लेसन सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो एक बुगनी खरीदिए, बुगनी में पैसे डालिए और आप पिगी बैंक भी ले सकते हैं, एक्सपेंसिव भी ले सकते हैं। मैंने इनको 100 रुपए वाला ही ला के दिया क्योंकि हमने तोड़ना था। और आप जो दूसरे लॉक जो लॉक वाले होते हैं वो आप खोल लेते हो जब आपको चाहिए होते हैं, बट इसको खोल नहीं सकते, इसको तोड़ना ही पड़ता है। एंड जब भी आप ये चीज करें तो ध्यान रखें गंद ना डालें अपने घर में, ठीक है? So we had used the newspaper. हाँ, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने न्यूज़पेपर यूज किया। अंदर से गुंजन में गाली निकाल रही है, मुझे पता है न्यूज़पेपर यूज किया मुझसे पूछो तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको आगे भी देखना हो कि इन पैसों को क्या हुआ तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। एंड हमारा दूसरा बच्चा पानी पी लिया और अभी हम आपको दिखाएंगे शारदा दीदी एंड गुंजन दीदी। यस शारदा दीदी आना जरा। अरे शारदा दीदी शर्माते हुए आ रही है, अरे इतनी शर्माहट शारदा दीदी। तो ये हमारे शारदा दीदी है, शारदा दीदी ठीक है। गुंजन दीदी भी आई थी कैमरा, तो भाई दीदी से नहीं 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 छोड़ दो, वैसे ही जैसे किसी शादी में कभी बुआ को कहो आओ डांस करो, कहती नहीं नहीं नहीं। बना लिया गुंजन की वीडियो। गुंजन राम राम, राम राम। और गुंजन कैसे हो? तो गुंजन कैसा लगा आपको वीडियो बना के? बहुत अच्छा लगा। गुंजन यानी यादवी और यशस्विनी ने पैसा इकट्ठा किया, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। इनको कोई एडवाइस देना चाहोगी? अरे गुंजन गुंजन इधर उधर शर्माते हुए ये गुंजन इधर उधर घूम रही है। और ये देखो इस लड़की ने क्या किया बेटा, ये तो गलत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। सायनारा।